हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस 8.5 और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। 1 से लेके 4 तक कवर कर चुके हैं। हालांकि गाइस, नॉन टेक्निकल का भी यहाँ पे क्वेश्चन, जेके जीके जीएसओ मैथ और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है। और हालांकि अगर आप लोग फीटर के स्टूडेंट, लास्ट में हम फीटर का भी क्वेश्चन सेट करके देखे हैं। नॉन टेक का जो क्वेश्चन गाइस सभी के लिए कॉमन है यहाँ पे, और इनका नॉन टेक का आपका क्लास भी है। 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको जीके जीएस का हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारा कुछ मिल जाएगा। साथ में हम टेस्ट सीरीज भी डाल देंगे, ठीक है। मन करे तो क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, एक बार क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई अदर एग्जाम का भी तैयारी करते ना तो वहां काम आ जाएगा आपको। एंड गाइस, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, चोल राजाओं का राजधानी कहाँ थी? मैसूर थे, तक्षशिला थे, तंजौर थे या मुरादाबाद थे? तो कहाँ पे दिखे, तंजौर हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हल गैस, मैसूर का राजधानी कौन हुआ करता था? श्रीरंगपट्टनम का नाम सुने होंगे, तो श्रीरंगपट्टनम। तक्षशिला आपको याद होना चाहिए गैस, गंधार का जो राजधानी वो तक्षशिला ही हुआ करता था, लेकिन एक समय गैस शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा प्रमुख केंद्र भी माना जाता था, तो ये भी चीज अपने एग्जाम की व्यू से आप एक्स्ट्रा जानकारी रख सकते हैं। एंड गाइस, क्वेश्चन टू यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस, जनगणना को संविधान को किस सूची में रखा गया? संघ सूची में, राज सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, संघ सूची में रखा गया, ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा। और कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा संघ सूची में टोटल कितना विषय को रखा गया, मतलब संघ सूची में तो सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कितना विषय पे कानून बना सकता है, तो 97। जैसे गैस डिफेंस से रिलेटेड हो या इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड हो, इस सब पे जो कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब संघ सूची के पास है। पे राज सूची में टोटल कितना विषय को रखा गया? राज सूची में टोटल 61 विषय के रूप में, मतलब राज्य सरकार कानून बना सकते, जैसे कि पुलिस से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार राज सूची के अंतर्गत रखा गया है ना। समवर्ती सूची में गैस टोटल 52 विषय के रखा गया, जैसे कि एजुकेशन सेंट्रल और राज्य दोनों मिलकर जो कानून बनाते हैं उनको हम समवर्ती सूची कहते हैं। उसमें ऐसा ऐसा 52 विषय रखा गया जिसमें दोनों को मिलकर कानून बना सकते, तो ये भी एक अपने एग्जाम की व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन थ्री देखिए गैस, भारतीय संविधान को भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज संघ के रूप में या अर्धसंघ के रूप में या तानाशाह के रूप में या राजतंत्र के रूप में? आंसर क्या हो जाएगा गैस? आंसर हो जाएगा राज संघ के रूप में हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल भी तो हम टेक्निकल प्रैक्टिस सेट करके ही बनाए, मतलब टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बनाए। फोर क्वेश्चन देखिए, मछली की आकृति तेल में किस प्रकार के विटामिन प्रचुर होते हैं? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी। आंसर क्या हो जाएगा, मछली के तेल में ना आपको विटामिन डी दिखेगा, हालांकि जब सूर्य की किरण जो धूप लेते हैं वहां भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा, लेकिन विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? खट्टा चीज से आपको मिल जाएगा। विटामिन के गैस आप हरा सब्जी वगैरह खाइए। विटामिन बी आपको कहाँ से मिल जाएगा? तो पालक वगैरह जब आप खाएंगे ना वहां से भी आपको मिल जाएगा विटामिन बी यहाँ पे। एंड गाइस, क्वेश्चन फाइव यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, थार मरुस्थल कहाँ पे? तो राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या ओडिशा। एकदम बेसिक टेक्निकल एग्जाम है, क्वेश्चन का लेवल बेसिक ही होगा यहाँ पे। जो आप लोगों का क्लास होगा याद रखिएगा 700 होगा, 700 में आपका सारे क्लास होगा, मैथ का, रीजनिंग का और सभी जीके का, ठीक है। जीके जीएस सिर्फ इसी एग्जाम है ना, आप अदर एग्जाम का भी अगर आप तैयारी करते होंगे तो एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी बेनिफिट मिलने वाला है आपको। साथ में हम मॉक टेस्ट भी आप लोग के लिए, हम जीके का मॉक टेस्ट भी आप लोग के लिए डाल देंगे यहाँ पे, है ना। हालांकि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। हालांकि गैस गुजरात में कांडला बंदरगाह है जो कि काफी एक महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में भी गैस एक बंदरगाह है यहाँ पे विशाखापट्टनम, ठीक है, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहता है। उड़ीसा में गैस आपको याद होना चाहिए प्रायद्वीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा में, तो ये भी बात अपने एग्जाम की व्यू से जानकारी रख सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन सिक्स यहाँ बात करें, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को या नाइट्रस ऑक्साइड को, हाइड्रोजन को या नाइट्रोजन को? तो गैस लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ना गैस जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल नेम पूछ लिया जाएगा, तो N2O होता है, ऑक्सीजन का पूछ लिया जाएगा O2 होता है, बेसिक है और फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं गैस? H2 बोलते हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो नाइट्रोजन गैस N2 बोलते हैं, तो ये भी आप अपने एग्जाम की व्यू से जानकारी रख सकते हैं। सात क्वेश्चन देखें, एंजाइम जाइम मूल रूप से क्या है? विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन? तो एंजाइम अगर मूल रूप से क्या है गैस, प्रोटीन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दाल वगैरह जब आप खाओगे तो वहां पे प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में दिखता है। 2.5 दिन के जो झोपड़ा या जो मस्जिद है कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है क्या? जीने औरंगाबाद में नहीं, लखनऊ में जीने, अजमेर शरीफ में, ठीक है, अजमेर में स्थित है गैस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गैस इनसे बनाया कब गया था? 1192 में, है ना, अफगान के जो शासक थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के आदेश पर गैस कुताबुद्दीन ऐबक ने इन्हें बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये भी आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। एंड 9 क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को, पिंगू को या जॉन मार्शल को या
इग्नोर करो। तो गैस अर्थशास्त्र का जनक है ना एडम स्मिथ को कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 10 क्वेश्चन है गैस, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा एंड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुई थी गैस, 1945 में हुई थी। हालांकि सदस्य कितना, टोटल कितना देश सदस्य है, तो गैस 189 जो देश है सदस्य लगभग 190 के करीब मान सकते हैं इसका मेंबर है यहाँ पे। एंड 11 क्वेश्चन देखिए, आप लोग के एग्जाम में मैथ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 72 है, तो ए बी बराबर 8 है, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को आपको किस रूप में करना, मतलब पूछ रहे हैं ए प्लस बी मतलब ए में क्या पुट करेंगे बी में क्या पुट करेंगे, तो इसके बराबर आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए बी अगर मालूम हो जाए तो 72 आप लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी बराबर 8 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, मान लीजिए a को 4 कर देते हैं और b को क्या कर देंगे यहाँ पे 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो a क्यूब को क्या लेंगे 4 का क्यूब, ठीक है, अब प्लस b का क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या किया गया, तो 4 का क्यूब 64 होता है और b का क्यूब क्या होता है यहाँ पे इक्वल टू 72 है ना, इक्वल टू 72 है, b का क्यूब कितना था 8 होता था, 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 64 और 8 कितना होता है 72, इक्वल टू 72 हो गया है ना, बिल्कुल सही। यहाँ पे a प्लस b बराबर कितना हो गया 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, सी को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। बेसिक क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करेगा इतना ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, मिस्टेक है, किसी संयुक्त परिवार में दादा और दादी की औसत आयु, मतलब दादा दादी दो हो गया, उसका औसत आयु 67 है यहाँ पे, ठीक है, और पूछ रहे माता पिता की औसत आयु 36 है यहाँ पे, तो माता और पिता की आयु 36 है यहाँ पे, और ठीक है तीन पोते का औसत आयु 6 है यहाँ पे, 3 × 6 कर देते, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 72 हो गया, और कह रहा है कि संपूर्ण परिवार का औसत आयु पूछ लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हम लिख दिया 18, यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 134 होगा, इन सबको जोड़िएगा ना तो आपको 224 मिलेगा यहाँ पे। अब इसको जोड़े 2, 2, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, तो 224 भागा 7 इसको अगर आप डिवाइड करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा, तो 32 है क्या, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें देखिए ये सब क्वेश्चन है प्रैक्टिस के ऊपर, जितना प्रैक्टिस करेगा इतना हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बेसिक ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट होते हैं पे। जैसे तीन छात्रों की औसत आयु, तीन छात्रों की औसत आयु कितना हो गया 45 हो गया यहाँ पे, और उनकी आयु 2, 2.3, 4 है यहाँ पे, मतलब 3, 4 और कितना हो गया 9 हो गया यहाँ पे, तो 9 बराबर कितना करें यहाँ पे 45, सबसे बड़े छात्रों की आयु पूछ रहे हैं पे, तो इसका मतलब पूछ रहे हैं पे 9 × 5 = 45 है, तो एक को अगर कर देंगे कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 1 = 5 हो गया, तो 4 × 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 20, 20 है क्या, ऑप्शन ए में। तो आपको ये सब चीज़ शायद आई थिंक समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप जब इन्हें कंटिन्यू पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आप देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे 12 को 54 लिखा है, तो 16 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 12 को 54 कैसे लिखा, आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि 12 को 54 कैसे लिख सकता था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 12 × 4 कितना हो गया, 12 × 4 कितना हो गया 48 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 48 + 6 कितना हो गया 54, इस रूप में आया। अब 16 को इसी तरह कर दीजिए, 16 × 4 16 × 64 हो गया यहाँ पे, अब 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना 8 जोड़ दीजिए यहाँ पे 8 कितना हो गया 72, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए में। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गाइस, ये कुछ आप लोग का नॉन टेक का था क्वेश्चन, बाकी आप टेक्निकल फीटर से आ जाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप लोग फीटर के स्टूडेंट हैं तो फीटर का भी क्लास है आपको सारे ऐप पे ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो नॉन टेक का क्लास ज्वाइन करना 700 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप फीटर के हैं तो कूपन कोड यूज कर लीजिएगा थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन गाइस क्वेश्चन 14 देखे, निम्न रेतियों में से कौन सा भाग नुकीली मतलब एक होता है ना इस वाले पॉइंट पे नुकीली होती है, तो टैंक या पॉइंटेड या हील या इनमें से कोई नहीं, तो टैंक होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायग्राम से समझ लीजिए ऑलमोस्ट, अगर थोड़ा बहुत भी अगर फीटर का ज्ञान होगा तो आप लोग क्वेश्चन करके चले आएगा, बेसिक क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे फीटर का क्लास अगर आप लोग का है ना गैस, बिल्कुल हम इसी तरह डायग्राम से आप लोग को समझाएंगे स्मार्ट तरीका से यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं गैस टैंक बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हील बोलते हैं, इस वाले पार्ट को फेस, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं पॉइंट बोलते हैं, है ना, तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 15 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, रेती का जो चपटा भाग होती है जिसका कटाई दांतों से होती है वो क्या कहलाती है, तो फेस कहलाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट को ही तो हम फेस बोलते हैं, अभी देख रहे हैं ना इस वाले जो पार्ट है इसको हम फेस बोलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 16 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन 16 यहाँ बात करें, एक ड्रिफ्ट का जो प्रयोग होता है डॉट डॉट होता है, तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने में करते हैं क्या,
या कार्य से टूटने में ड्रिल में निकालने में करते हैं, या मशीन स्पिंडल को चक लगाने में करते हैं, या ड्रिल्स के स्थित बनाने में करते हैं। तो गाइस मशीन में जो स्पिंडल होता है उसके निकालने में करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायग्राम से आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये है ड्रिप यहाँ पे, ठीक है, और ये स्पिंडल को निकालने में इसका उपयोग करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 17 पर गए, साधारणतः कैलिपर निम्न धातुओं का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का, या हाई कार्बन स्टील का, या माइल्ड स्टील का, इनमें से कोई नहीं। तो माइल्ड स्टील का बनाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस ये कुछ देख सकते हैं कैलिपर का उपयोग। एंड गाइस क्वेश्चन 19 यहाँ पे बात करेंगे, स्मूथिंग जो हैमर होती है वो किसका होती है, तांबा का, या कास्ट स्टील का, या नायलॉन का, सभी। तो कास्ट स्टील का हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये कुछ देख सकते हैं गाइस हैमर। तो कुछ ये था, ये गाइस आपको फिटर का अगर क्लास ज्वाइन करें तो केवल 800 रुपये है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर सारे कुछ आपको मिल जाएगा। केवल फिटर का टेस्ट सीरीज 250 रुपये है, है ना, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, है ना। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप पे सारे कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।